सौ में नब्बे शोषित है नब्बे भाग हमारा है धन धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है दस का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा कितना बड़ा स्लोगन है अरे ये प्रयागवा के बेटा हुआ लगे बा अरे तो हुआ, अरे जितना जूता पहन के छत्ता लगा के आई इतना धोती कुर्ता झारके पढ़े जागदेऊ प्रयागवा के बेटा आज से मा गया तो मारते मारते खोया हुआ हेलो फ्रेंड्स मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरजक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे बीच अरजक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं आज अहम दिन है आज जगदेव प्रसाद जी का जयंती है समाज को जागरूक करने के लिए पूरे देश को जागरूक करने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी क्रांति की थी और आंदोलन चलाया था इन तमाम उनके जो संघर्ष थे उन तमाम उनके जीवन परिचय पर माननीय अरुण कुमार गुप्ता से जानना चाहेंगे कि आखिर जगदेव प्रसाद जी का विचार कैसा था और इतना क्रांतिकारी विचार होने के बाद भी जगदेव प्रसाद के विचारों पे अपना समाज क्यों नहीं चल रहा है देखिए जगदेव बाबू एक साधारण परिवार के थे उनके पिता शिक्षक थे किसान थे और काफ़ी मेधावी और तेज थे फर्स्ट डिवीजन से वो एमए किए बचपन से लेकर के सभी क्लास फर्स्ट करते गए मेधावी विद्यार्थी थे और ओरिजिनल वो पदार्थवादी सोच के थे वो प्योर बौद्धिस्ट थे और बुद्ध के विचार से मार्क्स के विचार से ओतपुरोत थे और भारत में वो अकरपुरी जी बिहार के धरती पर दो महापुरुष जो सपना देखा था इन लोगों के सपना को साकार न हो इन लोगों का जो भीतर जो भूख था इन लोगों का जो इच्छा थी इच्छा अगर जीवन में ये लोग रह जाते जीवित रह जाते तो अपना इच्छा को तो ये लोग पूरा करते लेकिन इच्छा पूरा करने के जैसे ये सत्ता में आए तो यहाँ वर्ग दुश्मन ब्राह्मणवादियों के आँख में किरकिरी बन गए और अंत में इन दोनों आदमी की हत्या कर दी गई जगदेव बाबू को तो गोली मार दिया गया कुर्था ब्लॉक पर शूद्र समाज से पैदा हुए थे शूद्रों के बेहतरी के लिए इन लोगों ने जो सोचा था उसको पूरा करने में जो लगे हुए थे बीच में इन लोगों को इसलिए लूट लिया गया कि यहाँ के 90 परसेंट अधिकार विहीन रहे वो हमेशा चाहते थे गरीब की गरीबी खत्म हो असहाय का वो अवस्था खत्म हो सब फले फूले सब कमाए खाए तब न जगदेव प्रसाद नारा दिए थे कि दस में न, सौ में नब्बे शोषित है नब्बे भाग हमारा है धन धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है दस का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये कितना बड़ा स्लोगन है कितना बड़ा भारत के धरती के बैकवार्डों को मोटिवेट करने के लिए प्रेरित करने के लिए उर्जान्वित होने के लिए इतना बड़ा दर्शन भारत में किसी ने नहीं दिया जो जगदेव प्रसाद ने दिया और जैसे काल मार्स का नारा है दुनिया के मजदूर एक हो कितना बड़ा स्लोगन है दुनिया के लिए काल मार्स जितना बड़ा स्लोगन दिया उतना ही बड़ा स्लोगन भारत की मिट्टी पर भारत के लिए जगदेव प्रसाद दिए और कर्पूरी जी भी जगदेव प्रसाद और ये दोनों आदमी एक होकर के इस देश को संवारने सजाने का काम में लगे हुए थे लेकिन लूटा गए बीचे में वर्ग दुश्मन इनको गोली मार दिया जिससे यहाँ के मूलवासी को बैकवार्डों को यहाँ के अर्जकों को अधिकार से वंचित रहे जगदेव बाबू जब अपने क्षेत्र से अपने गांव से मिडिल पास किए जब दूसरे गांव में हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किए जगदेव बाबू तो उनके पिता प्रयाग बाबू बड़ा खुशी हुए कि मैट्रिक उस समय तो मैट्रिक पास होना आसमान से तारा तोड़ने के बराबर था तो और जगदेव बाबू तो हमसे और सौ बरस हो गया जगदेव बाबू का तो उस समय तो और ज़्यादा शिक्षा का अवसर बहुत ऊंचा था उस समय हम लोग कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा आ इसके बाद भी हम लोगों की जानकारी जितना था आज देखते हैं कि यहाँ के पीएचडी किए हुए को भी उतना जानकारी नहीं है उस समय साटका से इतना मास्टर मारता था कि जिसका जवाब नहीं है आता तो साटका से मार देता उसको उस मास्टर का हत्या लो कर देगा तो कहने का मतलब है जगदेव बाबू जब फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए तो उनके पिता प्रयाग बाबू धोती कुर्ता नया नया धोती कुर्ता जूता छत्ता कॉलेज जाने के लिए खरीदे आ जब वो जगदेव बाबू ले करके वो पहन करके जा रहे थे तो रास्ते में जिस गांव के हो के ज़मींदारों के गांव होकर जा रहे थे तो जमींदार को नहीं देखा गया ऐसा ही ना आदमी रिवोल्यूशनरी होता है ऐसा ही ना आदमी बगावत करने का बीज पैदा अंकूरन होता है शरीर के अंदर उसका क्या जगदेवा बिगाड़े थे साफ कपड़ा उसके किरकिरी हो रहा था आँख में गड़ रहा था तब तो, अरे ये तो प्रयागवा के बेटा जगदेउआ बा अरे तो जगदेउआ अरे यित जूता पहन के छत्ता लगा के आई इतना धोती कुर्ता झाड़ के पढ़े जाएबा जगदेउआ प्रयागवा के बेटा आज से माहे गेला तब मारते मारते खोइया उड़ा दे अब बताइए कि ये उस समय जो ये आर्ज लोग इस तरह का भाषा जो बोलते थे तो मूल्हर आदमी ना उसको ओमिट कर जाएगा भूला जाएगा और जिसके मस्तिष्क में वर्ग चेतना वर्ग द्वेष जिसके मस्तिष्क में तेज आदमी के मस्तिष्क में ये एटम बम के जैसा जगदेव प्रसाद के मस्तिष्क में ये अपमान भरा रह गया तब वो तो आए तक जब एम ए कर गए जब रा, राजनीति में आए बिजली बोर्ड में नौकरी हो गई उसको भी छोड़ करके ये जब राजनीति में आए कर्पूरी जी ये लोग जब विधायक होकर के जीत के ताज आ रहे थे महामाया सिंह की सरकार थी सत्तर गो कर्पूरी ठाकुर का विधायक था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का महामाया सिंह सात गो विधायक जिताने के बाद महामाया सिंह उपमुह मुख्यमंत्री बन गया आ सत्तर गो जीताने वाले कर्पूरी जी उप मुख्यमंत्री बन गए तो कर्पूर जगदेव बाबू आ रहे थे अपना घर से तो रास्ते में देखे कि छत पर चढ़ करके एक मालकिन कह रही है कि ए, ए, मजदूर ए फलाना ए इस खेत में ना उस खेत में काम करो नाम ध करके उस जाति का नाम ध करके जाति का नाम कहेंगे तो आज थोड़ा ठीक नहीं लगेगा मजदूर ऐ नौकर इस खेत में काम नहीं करो उस खेत में काम करो आ जगदेव बाबू उसी समय उसके घर के नीचे रोड से जा रहे थे इसी पर जगदेव बाबू आके कर्पूरी जी से कहे कि क्या कर्पूरी जी रे हम लोग सवर्णों के राजनीति हलवाही कर रहे हैं तीन गो मजदूर होता है एक खुरपी लेके बनिहारी करता है वो भी मजदूर जमींदारों का मजदूरी करता है एगो उसका सिलेबस पढ़ा तो जगदेव प्रसाद उसका इस छड़ी ले करके स्कूल में जो ब्राह्मणवादी सिलेबस पढ़ाता है वो भी ब्राह्मणों का नौकरी गुलामी करता है मजदूर है मजदूर है वो भी मजदूर आ हम लोग राजनीति मजदूर हैं ब्राह्मणवाद का ब्र... गुलामी हम लोग भाषण करके उसका गुलामी करें ऐसा गुलामी मैं नहीं चलने दूँगा ऐसा गुलामी मैं पसंद नहीं करूंगा, ऐसा गुलामी मैं चलने नहीं दूँगा सत्तर आप विधायक जिताए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी क्या था उप मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री सात को जिताने वाला मुख्यमंत्री सरकार को मैं गिराऊंगा इस चैलेंज मैं करता हूँ कि कर्पूरी जी गिरा दूंगा और ठीक जब वो गिरा दिए और कहे कि अब बने तब क्या क्या कि सतीश सिंह की सरकार बनी उन्तीस दिन के लिए खाता जगदेव प्रसाद खोले पहला ओबीसी मुख्यमंत्री पहला ओबीसी मुख्यमंत्री कर्पूरी जी का जगदेव बाबू का देन था कर्पूरी जी को मोटिवेट किए और दोनों आदमी मिल करके सतीश सिंह पिछड़ा वर्ग का खाता उसी का नतीजा आज नीतीश लालू जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो जगदेव प्रसाद का जगदेव बाबू का देन है जग कर्पूरी जी का देन है कि आज कम से कम वो लोग तो कम से कम ए, उस धधकती आग में एक कमल खिले दू वो कर्पूरी जी या जगदेव प्रसाद बिहार के मिट्टी से वो कमल दूठो आदमी खिला आज उसी कम कमल के का नतीजा है कि आज दूठो हमारे जो आज बिहार का उस समय से लेकर आज तक हमारे बिहार का मुख्यमंत्री